गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी पर बने सस्पेंशन ब्रिज के गिरने के कारण लगभग 135 लोगों की जान चली गई और कई अन्य लोग घायल हो गए। एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें इस दुर्भाग्यपूर्ण त्रासदी से कुछ क्षण पहले ही लोगों को पुल को हिलाते हुए देखा गया। पुल शाम लगभग 6:30 बजे गिर गया था। लगभग 400 लोग पुल पर थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना के चश्मदीदों का कहना है कि कुछ लोग लगातार पुल को हिला रहे थे, जिससे पुल पर मौजूद अन्य लोगों के मन में डर पैदा हुआ और उन्होंने पुल से आधे रास्ते पर लौटने का फैसला किया। लौटने के कुछ मिनट बाद ही पुल ढह गया। मैंने सब देखा है, जो 6:30 बजे में पुल टूटा, एक भागी टूटा है, आधे लोग ऐसे टिंग गए थे, फिर जैसे स्लिप हो गया था। इतना मेरे को दुख लगा है, जो कोविन में था ना, उससे ज्यादा भी मेरे को आज बहुत तकलीफ हुई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग लगातार पुल को हिलाते और पुल के तारों के साथ खेलते हुए दिख रहे हैं। एक और वीडियो सामने आ रहा है जिसमें चश्मदीद ये दावा कर रहे हैं कि कुछ लोगों द्वारा पुल को खतरनाक तरीके से हिलाने की शिकायत के बावजूद ओरेवा ग्रुप से संबंधित लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की। रिपोर्ट्स के मुताबिक वडोदरा से 300 किलोमीटर दूर स्थित 150 साल पुराना पुल करीब 125 लोगों का ही वजन उठा सकता था, लेकिन घटना के वक्त पुल पर करीब 400 लोग मौजूद थे। इस बीच ओरेवा ग्रुप के कार्यालय ने ये दावा किया कि पुल ढह गया क्योंकि पुल के मध्य भाग में बहुत से लोग इसे हिलाने की कोशिश कर रहे थे। मोरबी नगर पालिका भी ये दावा कर रही है कि जो प्राइवेट फर्म है ओरेवा ग्रुप ने, नगर पालिका से फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना ही पुल को जनता के लिए खोल दिया। ओरेवा ग्रुप को पुल के रेनोवेशन और रख रखाव का ठेका इसी साल मार्च में दिया गया था। अभी मोरबी में पूरी ताकत से बचाव अभियान चल रहा है।